हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में है जियो भारत V1 4G। और ये जो फोन है बिल्कुल जो है पहले मोबाइल जैसा है, लेकिन इसमें जो फीचर जो है इसका जो डिस्प्ले है वो जो है पहले जो निकल चुका था जियो भारत V2, V1 या फिर कार्बन का K1, उनसे जो बहुत ही बड़ा है। जो पहले आप लोगों को जियो फोन देखने को मिलता था सेम टू सेम वैसा ही है। तो इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसमें आप लोगों को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा और इसमें आप लोगों को बैटरी MAH कितना देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसका प्राइस कितना होगा, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 100 लाइक्स की एम रखते हैं तो आप लोग जो है 100 लाइक जो है फटाफट से कर दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है पहले जैसा ही है और इसका जो साइज है, साइज भी जो है वो पहले जैसा ही है। तो इसमें आप लोगों को फीचर्स क्या क्या देखने को मिलता है मैं आप लोगों को पीछे दिखा देता हूँ। तो इसमें आप लोगों को मेन फीचर्स जो है HD वॉइस कॉलिंग मिलता है, लेकिन इसमें आप लोगों को वीडियो कॉलिंग का फीचर्स नहीं मिलता है। 4G ब्राउजिंग इंटरनेट देखने को मिलता है, 23 लैंग्वेज FM दिया गया है और जो है ये जो है डिस्प्ले जो है 6.1 सेंटीमीटर का QVGA TFT स्क्रीन है। और साथ ही साथ बात करें इसके कैमरा की, 0.3 MP का कैमरा है, लेकिन इसमें आप लोग को फ्रंट में कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ बात करें इसमें जो है 2000 mAh की बैटरी दिया गया है और साथ ही साथ लाउड स्पीकर भी दिया गया है। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पावरफुल टच, वाइब्रेशन सपोर्ट, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो गाइस। इस मोबाइल से आप लोग ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों का ब्लूटूथ हेडफोन है तो आप लोग ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करके आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ दिया गया है 128 GB का मेमोरी कार्ड। और साथ ही साथ और क्या क्या है चलिए आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और ये जो है क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया है तो आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर अगर प्राइस की बात करें तो आप लोग देखोगे यहाँ पर जो है दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो 25999। तो इतना नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस ये जो है आप लोगों को 1299 rupees, 1299 rupees में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को पहले से ही अगर जियो सिम कार्ड है तो वो भी आप लोग काम चला सकते हो। और इसमें रिचार्ज होगा 123 rupees। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का है। तो गाइस मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, वो घर में रख के आ चुका हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये नहीं दिखा पाया। तो इसे अभी खोलता हूँ। तो गाइस इसका जो लुक है ये बिल्कुल सेम टू सेम पुराना वाला जो फ़ोन आप लोगों को देखने को मिलता था, जैसे कि जियो 320B, सेम टू सेम ऐसा ही है लुक के हिसाब से। और साथ ही साथ देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो आप लोग देख सकते हो इस बार जो है बैटरी जो है काफ़ी बड़ा दिया गया है, जो कि पहले काफ़ी छोटा था। आप लोग देख सकते हो। तो सब कुछ मैं आप लोगों को लगा के टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो अंदर और कुछ भी नहीं मिलता है तो साइड में रखते हैं। और इस बार चार्जर भी थोड़ा बड़ा दिया गया है और मैनुअल क्विक है और ये सिलिकॉन जेल, तो इसे कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चार्जर भी काफ़ी अच्छा है, तगड़ा है। और साथ ही साथ बात करें तो इस फ़ोन की, तो आप लोग देख सकते हो इसमें आप लोगों को कैमरा दिया गया है और इस बार जो है स्पीकर भी जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिया गया है। और साथ ही साथ बात करें ओवरऑल लुक की, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है और इस बार मतलब पकड़ के भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है। डिस्प्ले भी बढ़ा दिया गया है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको मैं जो है लगा कर दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ओपन करते ही यहाँ पर आप लोगों को जियो भारत जो लिखा हुआ है वो देखने को मिलता है ब्लू कलर में। और यहाँ पर आप लोगों को जियो भारत ऊपर में दिया गया है, आप लोगों को टॉर्च नीचे दिया गया है, आप लोगों को चार्जिंग का पोर्ट, और यहाँ पर आप लोग हेडफोन लगा के गाना सुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे स्किप कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जो पहले वाला फ़ोन था, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कैसे आप लोग देख सकते हैं दोनों का कंपेयर। तो आप लोग 300 रुपये मतलब ज़्यादा देके आप लोग ये फ़ोन लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को डिस्प्ले भी बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं इसका डिस्प्ले जो है, अगर इसमें तो आप लोगों को जियो सिनेमा और जियो सावन देखने को मिलता है, अगर आप लोग वीडियो देखने के लिए कोशिश करते हो तो वीडियो भी जो इसमें जो है काफ़ी मतलब छोटा देखने को मिलता है। लेकिन गाइस इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्जॉय कर पाओगे, कोई भी मतलब प्रोग्राम हो या फिर सीरियल आप लोग देखते हो तो इस फ़ोन में आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाओगे। तो ओवरऑल मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर में आप लोगों को क्या क्या मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को कॉल लॉक, कॉन्टेक्ट्स, मैसेज,
नोट्स, टूल्स, मल्टीमीडिया और फाइल्स, सेटिंग्स, कैमरा, और यहाँ पर जियो सावन, जियो पे, जियो सिनेमा, तो बाकी सब कुछ जो है सेम टू सेम है इसके फीचर्स। और इसके फीचर्स में इसमें जो दिया गया है खास बात है वो डिस्प्ले बड़ा है, मोबाइल थोड़ा बड़ा दिया गया है, और साथ ही साथ इसका जो बैटरी एमएच है वो 2000 mAh की किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पीकर की बात करें, स्पीकर भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो कोई भी एक मैं गाना सुना के आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि सेटिंग में जाके, साउंड सेटिंग में जाता हूँ, प्रोफाइल में जाके आप लोगों को सुना सकता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इसका रिंगटोन, बाकी आप लोग देख सकते हो ये फोन कुछ इस तरीके का है, इसका रिंगटोन कुछ इस तरीके का है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा ये फोन ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को 300 रुपये ज्यादा देके ये आप लोगों को फोन देखने को मिलता है, और इसका रिंगटोन भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग जो है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ भी चीज़ जो है इंजॉय कर पाएंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।